2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद देश भर में ये मांग उठी थी कि बलात्कारियों को फांसी की जगह उससे भी सख्त सजा दी जानी चाहिए और उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए। हालांकि सरकार और सिविल सोसाइटी ने इसे मानवता के खिलाफ बताते हुए इनकार कर दिया। भारत में गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए जेल और कुछ मामलों में फांसी की सजा की व्यवस्था है। यही वजह है कि निर्भया के दोषियों को भी फंदे से ही लटकाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि कई देश ऐसे भी हैं जो रेप के दोषी को नपुंसक बनाने से लेकर प्राइवेट पार्ट काटने और या फिर सिर में गोली मारने की सजा भी देते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बलात्कार को लेकर नया कानून बनाया गया है, जिसको प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक अगर वहाँ किसी शख्स को रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे सर्जिकल या केमिकल तरीके से नपुंसक बनाया जा सकता है। वहीं उत्तर कोरिया में बलात्कारी को सीधे सिर में कई गोलियां मारने की सजा दी जाती है। ये काम सार्वजनिक जगहों पर किया जाता है। सऊदी अरब में बलात्कार को लेकर बेहद ही कड़ा कानून है। वहाँ इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से रेप के दोषियों को सजा दी जाती है। वहाँ अगर कोई भी शख्स बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी देने, सिर कलम करने के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की सजा सुनाई जाती है। इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही नियम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।